चिकित्सक बोले, सजगता से ही टूटेगी कोरोना की चेन, लापरवाही की वजह से ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सजगता से ही इस महामारी के फैलाव को रोका जा सकता है। यदि हर आदमी मास्क लगाए और शारीरिक दूरी का पालन करे तो बीमारी की चेन टूटती चली जाएगी। बड़े पत्रकार अरुण कुमार शाही ने कोरोना से कैसे बचे विषय पर डॉक्टर प्रोफेसर दीपक कुमार से बात की। आइए जानते हैं कि चिकित्सक ने क्या कहा। डॉक्टर प्रोफेसर दीपक कुमार जी से बात कर रहा हूं। सर, कोरोना वायरस के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दें, क्या इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस से संबंधित जो लोग भी बीमार हो रहे हैं वो अपनी गलती के कारण हो रहे हैं, ज्यादा अपनी गलती से, क्योंकि मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है। बराबर बताया जा रहा है लोगों को कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाइए, बेमतलब का बाजार में नहीं घूमिए, अपने सिर्फ काम से काम रखिए और जितना कम हो सके एक दूसरे से संपर्क स्थापित कीजिए। तो ऐसा नहीं करने की वजह से कोविड का प्रसार हो रहा है। इसको और किया जाए तो प्रसार रुक जाएगा। दूसरी बात है कि आप खाने में सावधानी बरती कि सादा खाना खाइए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, हाफ रोज सवेर शाम लीजिए, इससे कोरोना वायरस के फैलाव पर रोक लगता है। बाकी का ट्रीटमेंट जो है सो हमारे यहाँ बहुत उचित ढंग से किया जा रहा है। डिपार्टमेंट कोविड का हॉस्पिटल में बहुत अच्छे ढंग से इलाज हो रहा है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत न पड़े। दूसरी बात है कि टीकाकरण का भी जो है सो दौर चल रहा है, जो लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप टीकाकरण करा लीजिए, जिससे कि अगर कोविड से ग्रसित भी हो तो उस लेवल तक का आपको बीमारी न हो, आप सावधानी से बच के निकल जाइए। तो लोग इस पर ध्यान दें, बाजार में बेमतलब का न घूमें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में न जाएं, अननेसेसरी कोई गैदरिंग में नहीं जुटे, बहुत भीड़ वाली जगह पर न जुटे, कोई शादी विवाह फंक्शन इस समय भी कम से कम लोग सम्मिलित हों, ये ज्यादा जरूरी है। इस पर अगर ध्यान देंगे तो हम लोग कोविड को हरा सकेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है कोविड से जीतना। चलिए सर, धन्यवाद। ऐसी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहे मोमेंटस क्लब के साथ।